हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो मैं एम करियर इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी लोगों को बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे और ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिनमें से 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के प्ले लिस्ट में बना दिया हूँ। अब प्ले लिस्ट में सारे क्वेश्चन अपलोडेड थे और मैंने आप लोगों से जैसा कि बोला था कि जो बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं बताता हूँ कि बायोलॉजी के ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब इसी पीडीएफ से, इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा और यहीं से आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो चलिए अपन एक बाय एक करके डिस्कस करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, चूज द करेक्ट, कि इनमें से कौन सा सही है। तो आइए अपन वन बाय वन समझते हैं, चूज द करेक्ट अपन वन बाय वन समझते हैं। तो जैसे क्या लिखा हुआ है, पहला है द आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ। जो पोलन ग्रेन की आउटर वॉल होती है, जिसको हम एग्जाइन बोलते हैं, वो किस चीज़ की बनी होती है, तो वो बनी होती है बेटा स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एमनियोसिंथेसिस इज यूज टू आइडेंटिफाई एनी डिसीज ऑफ। तो जो एमनियोसिंथेसिस होती है, एक्चुअल में ये एमनियोजेनिक फ्लूड, यानी कि बच्चा जब पेट में होता है तब किया जाता है, और ये किस लिए किया जाता है, ये किया जाता है एनी जेनेटिक डिसीज ऑफ फिटस। क्लियर, बच्चे का जेनेटिक डिसीज करने के लिए एमनियोसिंथेसिस किया जाता है। ये वन वर्ड में भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हीमोफीलिया इज अ डिजीज। हीमोफीलिया किस तरह का डिजीज होता है, तो ये होता है बेटा एक्स लिंकेज डिजीज। बाई लिंकेज नहीं होता, एक्स बाई नहीं होता, एक्स ये नहीं होता, तो ये कौन सा होता है, एक्स लिंकेज डिजीज होता है। उसके बाद ईस्ट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ईस्ट इज यूज इन दी प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ईस्ट जो होता है किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एल्कोहल के। तो ईस्ट से हम क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ह्यूमलिन, जो ह्यूमलिन होता है ये क्या होता है। क्लियर, तो अ टाइप ऑफ काइटिन नहीं, न्यू डाइजेस्टिव एंजाइम नो, पावरफुल एंटीबायोटिक्स नो, ह्यूमन इंसुलिन। जो ह्यूमलिन होता है ये होता है ह्यूमन इंसुलिन, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, है ना। उसके बाद क्या है क्वेश्चन बेटा, विच इज द मोस्ट यूजफुल सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। इनमें से कौन सी सॉइल होती है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होती है, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, स्लिट सॉइल और सैंडी सॉइल। तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पे लोमी सॉइल। जो लोमी सॉइल होती है ये ज्यादा यूजफुल होती है किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। क्लियर, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर से बात करें, चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 भैया, ओ भैया मेरे, तो क्या बोल रहा है, सर्टोली सेल इज फॉर्म। सर्टोली सेल कहाँ फाउंड होता है, सर्टोली सेल कहाँ होता है। तो हमने देखा था कि टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल था, तो इन यूट्रस नो, इन द ओवरी नो, इन द लिवर नो, इन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सर्टोली सेल, याद होगा आप लोगों को, ऐसे मैंने बनाया था सर्टोली सेल, ये मैंने साइड में डायग्राम बनाया था सर्टोली सेल का, बोला था यहाँ स्पर्म अपना मुंह छुपा के रखता है। क्लियर, तो ये हो गए बेटा सर्टोली सेल, तो हो जाएगा इन दी टेस्टिस। टेस्टिस में होता है क्या, सर्टोली सेल। उसके बाद बात करो मेन रीजन फॉर द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का मेन रीजन क्या होता है, मतलब पब्लिक बहुत, समझ गया ना, पॉपुलेशन का मेन रीजन क्या होता है, तो डिक्रीज इन डेथ रेट, डेथ रेट में कमी नो, इंक्रीज इन बर्थ रेट, हाँ बर्थ रेट में, मतलब ऐसे कि जैसे किसी की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, और शादी यदि बहुत जल्दी हो गई तो ले 4, 5, 6, पहले तो मोबाइल डाटा भी नहीं रहता था, तो इंटरटेनमेंट के लिए मतलब 12, 13, 8, 9 तो कॉमन थे भाई साहब। तो बर्थ रेट यदि ज़्यादा हो जाती है तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर, फिर और भी ऑप्शन है, ये तो ये नहीं है, हमारा आंसर क्या जाएगा ये। फिर इट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ,
कौन सा मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शंस है? तो देखो, अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट, तो जाहिर सी बात है ये मेंडल्स लॉ के एक्सेप्शंस तो है नहीं। इनके अलावा क्या बचा? लॉ ऑफ लिंकेज। तो ये क्या होता है? मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शंस होता है लॉ ऑफ लिंकेज। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, डिजीज काउज ड्यू टू लैक ऑफ ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन मतलब कैंसर वाला, तो क्या जाएगा? डायरेक्ट कैंसर। बहुत आसान है ना? आपके ऑब्जेक्टिव ऐसे टफ नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव आसान ही आएंगे, है ना? लेकिन आप इनको जब बार बार सुन लोगे ना तो आपको वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज इन द स्टेनिंग ऑफ। बहुत आसान है, इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है डीएनए के स्टेनिंग में रोल करता है। स्टेनिंग मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड आया और समझते हैं। स्टेनिंग, स्टेनिंग मतलब क्या होता है? किसी भी केमिकल का पता लगाना क्या होता है? स्टेनिंग मतलब कि क्या करते हैं, जैसे मान लो कि एक ग्लास होती है, एक ऐसे ग्लास की स्लाइड होती है, स्लाइड के अंदर उस केमिकल का हम रॉ मटेरियल लेते हैं और इसमें बाहर से कोई केमिकल डालते हैं, और यदि यहाँ पे जिस चीज़ का हम चेक कर रहे हैं, यदि वो चीज़ यहाँ पे है तो ये कोई ना कोई कलर हो जाएगा इसका, और यदि कलर्ड हो गया मतलब जिसको हम चेक कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे है। तो इस प्रोसेस को आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे, फिर भी अभी बेसिक हमने समझ लिया स्टेनिंग। क्लियर? कहाँ गया ये, जो कि डीएनए के लिए हम यूज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड का। फिर व्हेन वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड, है ना? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? तो आंसर जाएगा इसका 1986 में आपका पास हुआ था क्या? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर? तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 12। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, आइए देखते हैं। आप इनको बार बार सुनिएगा स्पीड में, तभी आपको याद होगा बहुत अच्छे से। तो क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक ड्रग्स? कॉन्ट्रासेप्टिक ड्रग्स का क्या पर्पज होता है? कॉन्ट्रासेप्टिक ड्रग्स हम क्यों लेते हैं? तो जैसा कि अपने को पता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिक ड्रग्स होता है, एक्चुअल में कॉन्ट्रासेप्टिक ड्रग्स इसलिए यूज करते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन को रोका जा सके और प्रेगनेंसी कंज्यूम जो होती है उससे बचा जा सके। क्लियर? तो इसके लिए क्या है? टू अंडरगोज फर्टिलाइजेशन, नो ब्लॉकेज ऑफ ओबुलेशन इन दी ओवरी, गुड। ओवरी से ओबुलेशन को रोक देते हैं, जब ओबुलेशन को रोक देंगे तो एक जो है फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन का चांस खत्म ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, है ना? तो ओवम ऑन द राइट इन द एपिडिडाइमिस ओवरी ऑल, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इन एपिडिडाइमिस, यहाँ पे आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भी मिल सकता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा यहाँ पे आपको टेस्टिस भी ऑप्शन में मिल सकता है, एपिडर्मिस में मिल सकता है, तो कोई सा भी ऑप्शन मिले आपको सही करना है, सही जाएगा। क्लियर? उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रोवाइड द क्लियरेस्ट एविडेंस ऑफ द बायोलॉजिकल एविडेंस। कौन सा बायोलॉजिकल एविडेंस का एकदम क्लियर एग्जाम्पल है? तो फॉसिल्स, जो फॉसिल्स होते हैं जिनको हम हिंदी में जीवाश्म बोलते हैं, जो जीवाश्म होते हैं ना बेटा, तो जीवाश्म का क्या काम, मतलब जीवाश्म क्या होते हैं? ये एविडेंस होते हैं किनके? ये आपके एविडेंस होते हैं बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के एविडेंस होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ विच विटामिन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो विटामिन B2, B12 एंड C1 के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो कि DNA को स्पेशल जगह से कट करता है, तो जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर बैक्टीरिया, है ना? यहाँ पे हम ई कोलाई यूज कर सकते हैं, है ना? सीरिया कोलाई वायरस इज प्लांट, नो। क्या जाएगा आंसर? बैक्टीरिया।
द वर्ड इकोलॉजी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इकोलॉजी वर्ड किनने यूज किया था, एजी टेंसले, किनने यूज किया था, एजी टेंसले। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस याद करने हैं बहुत अच्छे से, है ना। और इनको सबसे अच्छा तरीका जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप इनको क्या करिए, सुनिए बार बार, जैसे आप सुनेंगे ना तो आपका काम होता जाएगा। 18, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ मास ऑफ सेल सराउंडिंग बाई एंटेगूमेंट्स, अ मास ऑफ सेल सराउंडिंग बाई द एंटेगूमेंट्स। तो मास मतलब सेल का कौन, मतलब जो एंटेगूमेंट किसको सराउंड करता है, तो आंसर जाएगा माइक्रोपाइल, न्यूसिलस, सेलाजा, और तो आंसर जाएगा अपना न्यूसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डेवलप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ये जाएगा एलेक्स जेफरी, ये तो आसान है। उसके बाद द एंजाइम यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट, क्या जाएगा, प्रोटीएज, जो डिटर्जेंट के प्रोडक्शन में यूज होता है। फिर इकोराई, जो इकोराई होता है ना वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इकोगा, जो कि ग्वाइनिन, ग्वाइन जो हमारा इको आर आई एंजाइम होता है, जो इको आर आई जो एंजाइम होता है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, जो कि डीएनए को स्पेसिफिक पार्ट से कट करता है, कहाँ से, तो हमने एक टिक बताया था इको आर आई गा, तो ग्वाइनिन एडिनिन के बीच से कट करता है, ये कहाँ से कट करता है, ग्वाइनिन एडिनिन से, तो आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद विच नेशनल पार्क आर फेमस फॉर द वाइट लायन, क्या जाएगा, बांधवगढ़, बांधवगढ़ का जो नेशनल पार्क है वाइट लायन के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद एंजियोस्पर्म हैव एंडोस्पर्म, कैसे डिप्लॉयड होता है, तो देखो पोलर न्यूक्लियाई जो था तो 2N था, इसको जनरेटिव न्यूक्लियस ने फर्टाइल किया था, जो N था फर्टिलाइजेशन के बाद हो गया था ये 3N, तो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, क्लियर। उसके बाद यदि हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग गिव न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रैंड, टैपिटम, फिर इंटैक्टिव स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, डॉर्मेंसी, फिर रेशो ऑफ डेथ रेट एंड बर्थ रेट परसेंटेज इज कॉल्ड वाइटल इंडेक्स बोलेंगे बेटा इसको, है ना, आपके बुक में लिखा हुआ है ऑर्गेनिक इंडेक्स, यदि आपको ऑप्शन में मिलता है तो ये भी आप सही कर लेना, वैसे आंसर जाएगा वाइटल इंडेक्स। डाउन सिंड्रोम इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ विच क्रोमोसोम्स नंबर, तो जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 21 पेयर ऑफ ट्राइसोमी होता है, यहाँ पे आपको मिल सकता है 21 पेयर ऑफ ट्राइसोमी, ये होता है क्या, डाउन सिंड्रोम, क्लियर। ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 29। फिर हम बात करेंगे बेटा हु गिव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किनने दिया था, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था सटन एंड वावेरी ने, किनने दिया था, सटन एंड वावेरी ने, एम एस स्वामीनाथन, हाँ सटन एंड वावेरी ने दिया था। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, विच इज द गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर और रेप्टाइल्स, तो डायनासोर और रेप्टाइल्स का जो गोल्डन पीरियड होता है वो होता है कौन सा, मीजोजोइक, वैक्सीनेशन यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम पोलियो डिप्थीरिया एंड टिटनस, तो हो जाएगा इसका आंसर डीपीटी। फिर एड्स टेस्ट इज नोन एज एलिजा, जो एड्स टेस्ट होता है वो क्या होता है, एलिजा टेस्ट को हम एड्स टेस्ट में इंक्लूड करते हैं। फिर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहा दो प्रेम की गंगा। चलो तो हम देखेंगे सिरोसिस ऑफ लीवर इज काउजेस बाई, मतलब दारू पीने से लीवर सिरोसिस होता है, लीवर्स की सेल मिलती हैं क्या पीने से, दारू, लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर इज काउजेस बाई, किससे, दारू से, इसलिए बोलता हूँ मत 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 मत, समझ गए। फ्री लिविंग बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एजेटोबैक्टर, कितना आसान है, आता है एग्जाम में।
विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इंटू कर्ड। बाप रे, इसे क्वेश्चन भी आएगा। लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। PBR, वेरी IMP। मैंने इसको बड़े वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि PBR बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PBR क्या होता है? प्लाज्मिड। क्या होता है PBR? प्लाज्मिड। हाउ मनी पॉलीपेप्टाइड चैन इज नीडेड फॉर द इंसुलिन? बहुत आसान, दो। बच्चा गलत करता है, नहीं करना। नंबर वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आने के चांस बहुत सारे हैं, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ बहुत फैलता है। जो पेपर बनाया है उसको भी डायबिटीज़ है, इसलिए वो ज़रूर देगा क्या? इंसुलिन। इनर सेल मास ग्रुप ऑफ सेल विच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस टिश्यू एंड ऑर्गन आर। क्लियर। अब इनर सेल मास, इनर सेल जो इनर मास ग्रुप ऑफ सेल होता है, एक्चुअल में वो स्टेम सेल्स होते हैं। यहाँ पे बाहर आउटर सेल मास, अंदर इनर सेल मास। समझ गया बच्चा? ठीक है। फिर सेकेंड स्टोमेटा इज फाउंड इन जीरोफाइट्स। जो सेकेंड स्टोमेटा होते हैं वो जीरोफाइट्स में होते हैं। जीरोफाइट्स मतलब उस जगह के प्लांट। अच्छा, तो स्टोमेटा कहाँ होते हैं? हमारे पेट में रहेंगे क्या? नहीं। तुम्हारे पेट में? नहीं। कहाँ? मोबाइल में? नहीं। तो कहाँ? प्लांट की पत्ती में। बोलो हाँ। तो हाँ, तो क्या जाएगा? जीरोफाइट्स। क्या? जीरोफाइट्स, क्योंकि इसमें सेकेंड स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि वहाँ होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। क्लियर। नेक्स्ट कितने हो गए? जल्दी बोलो। 40। फिर आ जाएगा इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ एनर्जी। हमेशा सीधा, जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। क्या बोला? हमेशा। याद है क्या? हमेशा सीधा। कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है? 10%। आओ देखते हैं। द टू कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, दो, एक बायोटिक एक एबायोटिक। बायोटिक में हम, तुम और प्लांट। एबायोटिक में कौन? बोलो पांच। कौन थे एबायोटिक के पांच? याद है क्या? जल्दी बोलो, कमेंट में याद हो तो। बोलूं? एयर, सॉइल, वाटर, लाइट, टेम्परेचर। फिर क्या है? ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। ये आ चुका है MP बोर्ड 23 में। क्या जाएगा आंसर? प्रोड्यूसर। बहुत अच्छे से चेक करने के बाद आंसर क्या जा रहा है इसका? प्रोड्यूसर। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड 1986। तो ये आपके हो गए क्या 44 ऑब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने हैं? 44। तो हो गए 44 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फिल इन दी ब्लैंक। एक ही लेक्चर में सब कराओगे क्या? हाँ। बायो में नंबर भी तो अच्छे चाहिए। बोलो हाँ, फिर से बोलो हाँ। फिल इन दी ब्लैंक। क्या भैया? फिल इन दी ब्लैंक। यदि हम फिल इन दी ब्लैंक की बात करें तो कोई तो देखो आ जाओ। फिल इन दी ब्लैंक में हम बात करेंगे बेटा ह्यूमन टेस्ट। हाँ, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। क्या अच्छे से देखेंगे? फिल इन दी ब्लैंक, कुछ और मत सोचो। हाँ आओ, तो फिल इन दी ब्लैंक की बात करूँ, तो फिल इन दी ब्लैंक की बात करूँ। नहीं, लाल कलर लूँगा, अच्छा लग रहा है आज। आज लाल डे है ना, रोज़ डे। कब है रोज़ डे? आज ही तो है रोज़ डे, पता नहीं कब है। रोज़ डे निकल गया, तो कौन सा डे है आज? ओ सेम टू यू। चलो, ह्यूमन टेस्टिकल्स आर लोकेटेड स्क्रोटम। स्क्रोटम पता है क्या क्या होता है? नहीं पता तो देखो, ये कमर है, ये पैर है, पैर के बीच में होती है थैली, थैली में दो होते हैं क्या? टेस्टिस। तो जो पाउच लाइक थैली होती है ये होता है स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर क्या होता है? टेस्टिकल्स। जीन एक्सचेंज अकर इन पैकेटिन। पैकेटिन जो होता है ये मियोसिस का एक पार्ट होता है। मियोसिस दो तरह का होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर आता है क्या? पैकेटिन, जहाँ पे क्या होता है? जीन एक्सचेंज। नेक्स्ट, फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल। फिर LSD इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्लेविसेस परप्यूरा फंगस। फिर इंटरफेरॉन आर स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोटीन। फिर रेस्पिरेटरी रूट आर फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट। ओ क्या? मैंग्रोव प्लांट। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैज नाउ बीन रिनेम्ड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था वो कन्वर्ट हो गया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में। ऐसा क्यों हुआ तुम जानो? पूछना होगा तो कमेंट कर देना। फिर
डीएनए स्टैंड आर ज्वाइन बाय द एंजाइम लाइगेज, जो डीएनए होता है, जो डीएनए स्टैंड को ज्वाइन करता है, जोड़ता है, वो लाइगोज लाइगेज होता है, और जो तोड़ता है वो क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस। जो तोड़ता है वो क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस। राइटिंग बहुत सुंदर है मेरी। प्लाज्मिड एक्ट एज जीन कैरियर, जो प्लाज्मिड होता है वो जीन कैरियर का काम करता है, अभी आपने पढ़ा ना पीबीआर 322। आर्किबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स, आर्किबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स। रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ डाटा, रेड डाटा बुक रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज, या इसी को आप बोल सकते हो इनगर्ड प्लांट एंड एनिमल। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, स्टेम सेल आर अनडिफ्रेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल, बिल्कुल सही जवाब। जो स्टेम सेल है वो अनडिफ्रेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल होती है, क्योंकि स्टेम सेल बाद में डिफ्रेंशिएट होकर हमारी बॉडी के पूरे ऑर्गन बनाते हैं। फिर डैश डैश था रिलैक्सिन। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, है ना। यहाँ पे जितने भी कैपिटल लेटर में लिखे हैं ना बेटा, वो सब क्या थे, फिल इन द ब्लैंक्स, वहाँ पे आपको फिल करना था। क्लियर। तो जितने भी कैपिटल लेटर वहाँ आपको फिल करना है। फिर इसके बाद आ जाइए, देखिए आर्कियोप्टेरिक्स फिल करना था, इज कंसिडर टू द लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, है ना। तो जो हमारा आर्कियोप्टेरिक्स होता है वो क्या करता है, लिंक करता है किसको, रेप्टाइल और बर्ड्स को। बहुत बढ़िया, सॉरी बहुत सुंदर। फिर यदि हम बात करें बेटा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट प्री हिस्टोरिक ह्यूमन वॉज होमो हैबिलिस, मतलब हम लोगों से मिलता जुलता जो जो स्पीसीज था वो क्या था, होमो हैबिलिस। अस्थमा इज अ टाइप ऑफ एलर्जी, अस्थमा क्या हो क्या होता है, एक एलर्जी का टाइप होता है। उसके बाद ईच इकोसिस्टम इज डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी, जितना भी इकोसिस्टम होता है वो सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट पर डिपेंड करता है, बाई फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से अपन सनलाइट की एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हैं। उसके बाद फॉर स्टैंडिंग ऑफ डीएनए, ये पहले भी मैंने पढ़ चुका हूँ, स्टैंडिंग ऑफ डीएनए इथीडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड, इथीडियम ब्रोमाइड यूज होता है। क्लियर। मैंने फिर बोल रहा हूँ जो कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं वो क्या है, वो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक था, यहाँ पे विद आंसर आंसर के साथ दिया गया है। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इंटरनली, जो ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, बाकी जैसे कुछ फिश हो गई, फ्रॉक्स हो गए, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है, मतलब जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड दी बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर एक और स्पर्म होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है आउटसाइड दी बॉडी, लेकिन ये क्या हो रहा है, इनसाइड दी बॉडी। जीन एक्सचेंज अकर इन पैकेटिन, पहले भी आ चुका है, जो जीन एक्सचेंज होता है पैकेटिन में होता है, जो मियोसिस का पार्ट होता है। फिर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, मतलब यदि आप डीएनए से एमआरएनए बना रहे हो तो क्या होता है भैया, ट्रांसक्रिप्शन, और यदि आप एमआरएनए से प्रोटीन बना रहे हो तो क्या होगा, ट्रांसलेशन, क्या होगा, ट्रांसलेशन। क्लियर। चलिए फिर एलिफेंटियासिस डिसीज, जिसको हम बोलते हैं हाथी पाँव, पाँव बहुत मोटा हो जाता है, काउज ड्यू टू द ब्रैंकोप्टी क्या होता है, एलिफेंटियासिस डिसीज करता है। रेड बुक डाटा फिर से आ गया रेड बुक डाटा। क्लियर, पहले ही बता चुका हूँ, एंडर्ड प्लांट एंड एनिमल्स, है ना, इसी को मैंने बोला था ना, अभी नाम लिख दिया था दोनों। फिर देखिए आरएनए इंटरफेरोन इज अ मेथड ऑफ सेलुलर प्रोटेक्शन इज यूकैरियोट्स। फिर एप्पल इज अ, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो सेब होता है, जो एप्पल होता है वो एक फॉल्स फ्रूट होता है, क्यों, क्योंकि जो इसका एप्पल वाला पार्ट होता है ये थैलेमस से बनता है। क्लियर। यहाँ पे ओबरी और ओब्यूल का कोई रोल नहीं होता, किससे बनता है, थैलेमस से, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस वजह से हम इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट।
अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। यदि एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है तो उसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओबम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ओबुलेशन। ओबुलेशन क्या होता है? ओ बी यू एल ए टी आई ओ एन। ओबुलेशन क्या होता है? मैच्योर फॉलिकल्स का ओबरी से बाहर निकलना, क्या कहलाता है? ओबुलेशन, मतलब ओबम का ओबरी से बाहर निकलना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डेज में जो होता है ओबुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। मैं आपको बता देता हूँ आपके जनरल नॉलेज के लिए कि यदि आपको ऑप्शन में फैलोपियन ट्यूब नहीं मिला तो आंसर एम्पुला जाएगा, लेकिन यदि आपको ये दोनों मिले हैं और साथ में स्थेमो एम्पुला जंक्शन मिला है तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका ये वाला आंसर जाएगा। यदि ये भी है, ये भी है, ये भी है तो आपका आंसर जाएगा स्थेमो एम्पुला जंक्शन, जहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाइए। टेस्टिस इन द ह्यूमन लोकेटेड स्क्रोटम। टेस्टिस कहाँ होता है? स्क्रोटम में, मैंने बता चुका हूँ। द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम, मिडिल वाली क्या क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। बाहर वाली को क्या बोलते हैं? आउटसाइड वाली को क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। क्लियर। इमिग्रेशन इंक्रीज द पॉपुलेशन, मतलब कि यदि हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में बाहर से यदि कोई लोग आते हैं, इमिग्रेट करते हैं, तो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ेगा। इमिग्रेशन, यदि यहाँ पे ई हो जाए, इमिग्रेशन हो जाए, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगा। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज गिवन बाई माल्थस। फिर ड्रोसोफिला मेलैनोगास्टर, वर्क डन बाय द टी एच मॉर्गन, फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल। मेंडल हैज कैरी आउट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गॉर्डन पी फॉर 7 ईयर। एच एम एस बीगल इज द नेम ऑफ डार्विन शिप। जहाँ पे डार्विन लोग भ्रमण में गए थे उस जहाज का नाम था, जो कि इतना बड़ा जहाज था, उस जहाज का नाम था क्या? HMS बीगल। आ एलिफेंटियासिस डिजीज काउजेज बाई, ये भी हो गया है अपना। उसके बाद क्या है? राइजोबियम एजोला एंड एनाबीना आर द एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइजर। क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर, खाद बनाते हैं। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड द बैक्टीरियोफेज, कॉल्ड द बैक्टीरियोफेज। एन एंटीबायोटिक्स कॉल्ड पेनिसिलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम। जो पेनिसिलियम होता है उसको हम ऑप्टेन करते हैं पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एक तरह का फंगस होती है। फिर ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक, क्या क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड। तो ये हो गए आपके, क्या कितने हो गए? 41। कौन से? फिल इन दी ब्लैंक। मैं बार बार बोल रहा हूँ इनको, आप जल्दी जल्दी बार बार सुन लोगे ना तो आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद इंटरफेरॉन स्मॉल प्रोटीन ग्रुप, जो इंटरफेरॉन होता है छोटा प्रोटीन ग्रुप होता है। स्टेम सेलार अनडिफ्रेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल। रेस्पिरेटरी रूट इज द फाउंड इन द मैंग्रोव प्लांट, ये भी हो चुका है। ओनली 10% एनर्जी फ्लो एंड ट्रांसफर फ्रॉम द वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल। पिरामिड ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज अपराइड, जो एनर्जी के पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। फिर द चीप सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम इज सनलाइट, जो एनर्जी का सोर्स होता है वो सनलाइट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया और कॉल्ड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है उनको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि क्या होता है? एजेटो बैक्टर। बहुत सारे हैं बेटा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर,
इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब अलग अलग होता है कि वाटर अमोनिया में, फिर अमोनिया से नाइट्राइट में, नाइट्राइट से नाइट्रेट में अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये कॉमन से हो गए। तो इस तरह से आपके हो गए फिल इन दी ब्लैंक, क्या हो गए, तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन दी ब्लैंक हो गए। अब हम देखेंगे, हम देखते हैं बेटा यहाँ पे वन वर्ड, क्लियर। चलिए अब बेटा यहाँ पे हम देखते हैं वन वर्ड मतलब कि पूरी सर की पूरी तैयारी है कि बच्चों का 28 नंबर का जो क्वेश्चंस हैं यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएं। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देखिएगा, आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो यदि हम बात करें क्या है वन वर्ड, तो वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन मैमल्स, तो क्या जाएगा आंसर, फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला या एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, मतलब कौन सा पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये जाएगा आंसर। फिर नेम द सिंड्रोम विच कंटेन XX बाई सेक्स क्रोमोजोम, तो उसको बोलेंगे क्लेने फिल्टर। राइट द फुल नेम ऑफ IPM मतलब इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट, क्या जाएगा इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज SCID सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसका फुल फॉर्म होगा। फिर राइट द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट हु लिव सिम्बायोटिकली इन लाइकेंस, तो हो जाएगा फंजाई एल्गी। फिर जिप्ट, बहुत आसान है, सबको पता है जिप्ट के बारे में, गैमिट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर। विच ऑफ द कोडोन इज AUG, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये होता है मेथियोनीन का कोडोन होता है AUG, किसका होता है मेथियोनीन का, वन वर्ड भी याद रखिएगा आप। उसके बाद बात करें बेटा व्हाट इज BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD क्या होता है, इसका आपके 2 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, याद रखिएगा। फिर क्या है, व्हाट डज द पिरामिड ऑफ एनर्जी लुक लाइक, ऑलवेज स्ट्रेट या अपराइट, अभी भी पहले भी बता चुका हूँ, क्लियर। उसके बाद BT कॉटन एंड गोल्डन राइस आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप, ये क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप होते हैं। फिर हाउ मनी डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बेबी बोर्न, वाह 228 दिन, यदि आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 9 मंथ 7 डेज, यदि ये ऑप्शन में ना मिले तो आप लिख दीजिएगा 9 मंथ, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका क्या है ना, कि कितने दिन में बेबी जो होता है बोर्न होता है, पैदा होता है। उसके बाद हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, बहुत फेमस, आप सबके फेवरेट, सबसे कलाकार, सबसे महान, सबसे होनहार, कौन, डार्विन, याद रखिएगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्लीपिंग पिल्स, क्या होता है, बेंजोडाइजेपाइन जिनसे नींद आता है आपके मेडिकल स्टोर में, या अल्प्राजोलम के नाम पे मिलता है, अल्प्राजोलम के नाम से मिलेगा, खाने से नींद आती, क्या आती, नींद, ठीक है, नींद तो ऐसे ही बहुत आती है, ठीक है ना। फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ द एनर्जी, तो जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब एनर्जी फ्लो होती है तो 90% एनर्जी लॉस हो जाती है और 10% एनर्जी वन ट्रॉपिकल लेवल से अनदर ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसफर होती है, इसको हम बोलते हैं लिंडमान रूल, क्या पता नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्या है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ PCR पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, PCR का फुल फॉर्म होता है। फिर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जिट ऑफ एग फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल कॉल्ड ओबुलेशन, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन जीन वन एंजाइम बीडल एंड टैटम, मैंने बताया था वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दिया था, बीडल एंड टैटम ने। फिर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी ऑफ द इम्ब्रियो इज कॉल्ड टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी याद रखिएगा। राइट द नेम ऑफ एन एनिमल्स विच हाइड द एग ऑन द नेस्ट ऑफ द अदर एनिमल द, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, राइट द नेम ऑफ द एनिमल विच हिड विच हाइड इट्स एग ऑन द
नीस्ट ऑफ द अदर एनिमल द कुकू. फिर नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स टोबैको. राइट द फुल नेम ऑफ जिप्ट जाइगोट इंटाफेलोपियन ट्रांसफर. फिर क्या क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 है, बाई विच क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग. तो सेक्स क्रोमोजोम होगा. कौन सा क्रोमोजोम होगा? सेक्स क्रोमोजोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्रोमोजोम. उसके बाद विच कोडोन इज नोन एज द स्टार्टिंग कोडोन, जिसको हम इनिशियल कोडोन भी बोलते हैं, वो होता है ए यू जी. द नेम ऑफ डी एन ए सेगमेंट विच सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चैन, उनको बोलते हैं सिस्ट्रोन, इंट्रोन भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा सिस्ट्रोन. नेम द नेम ऑफ डी एन ए सेगमेंट विच सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चैन, उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रोन, और ये सही जवाब है. क्लियर. फिर वॉट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ वन स्टैंड ऑफ डी एन ए टू आर एन ए, तो होगा ट्रांसक्रिप्शन. ये पहले भी हो चुका है, डी एन ए से आर एन ए बनने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. विच इज नोन एज द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वायरस एंड ऑटो इम्यून डिसीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द टाइफाइड, टाइफाइड है कि नहीं उसको कन्फर्म करने के लिए किया जाता है क्या, विडॉल टेस्ट. क्या किया जाता है, विडॉल टेस्ट, याद रखिएगा. कितने हो गए, 28. आ जाइए 29. माइक्रोब्स विच इज रिस्पायर विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एक्सपायर एनारोबिक एरोबिक. माइक्रोब्स विच इज रिस्पायर विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक. नेम द मोलिकुलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. मोलिकुलर सीजर कौन होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है. नेम एनी वन इंपॉर्टेंट बायोपेस्टिसाइड बैसिलस थुरंजेसिस. नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी 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 रोजी. फिर टाइप ऑफ कर्व आर ऑप्टेन इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म जे एंड एस शेप ग्रोथ कर्व. इसका हमने टेस्ट में भी पूछ चुके हैं कई बार. द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड व्हाट डज इट कॉल्ड, तो हम बोलते हैं मॉर्टेलिटी रेट. नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड व्हाट डज इट कॉल्ड द मॉर्टेलिटी. राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स. ये होगा IUCN का फुल फॉर्म. ये भी आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, तो ये आप कर लीजिए. उसके बाद देखेंगे बेटा लास्ट सेकेंड है ट्रू एंड फॉल्स. इसके बाद आएगा अपना क्या, मैच द कॉलम. सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, ट्रू एंड फॉल्स. तो आइए ट्रू एंड फॉल्स की यदि हम बात करें, करें क्या बात, आओ करते हैं. तो क्या है ट्रू एंड फॉल्स, आपको पढ़ना है, बताना है कि सही है कि नहीं. क्लियर. तो आइए हम देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स. तो क्या लिखा हुआ है, एंडोस्पर्म इज डिप्लॉयड इन एंजियोस्पर्म. वेरी गुड, सही है. फिर हीमोफीलिया इज अ जेंडर स्पेसिफिक डिजीज, सही है. फिर एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया, गलत है. पेनिसिलियम फंगस से, पेनिसिलियम नोटेटम से, तो ये गलत है. उसके बाद माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो कॉल्ड द PPLO, सही है. फर्स्ट क्रॉस ब्रीड काउ इज रोजी, ये भी सही है. पहली जो क्रॉस ब्रीड काउ होती है वो रोजी होती है. तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन MP, ये ट्रू है बेटा. सिक्स नंबर जो है फॉल्स नहीं, ये ट्रू है. MP में है, जबलपुर में. क्लियर. तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन MP में है. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेट ऑन 11th अगस्त, ये गलत है. 7 नंबर गलत है. द पार्ट ऑफ जीन दैट इज नॉट कोडेड इज कॉल्ड इंट्रोन, ट्रू है. इंट्रोन ट्रू है, इसका सिस्ट्रोन भी आंसर जाता है. आप गूगल में चेक करोगे तो आपको इंट्रोन भी मिलेगा. क्लियर. फिर उसके बाद पेनिसिलिन
एंटीबायोटिक्स इज ऑप्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, जो पेनिसिलिन एंटीबॉडी होती पेनिसिलियम नोटेटम से ऑप्टेन किया जाता, जो एक तरह का फंगस होता है, ये भी सही है। फिर रोहू फिश इज रीड टू कंट्रोल द मॉस्किटो, गलत है। फिर फ्लेवर स्लेवर इज द टोमेटो वैरायटी, ट्रू है, सही है। द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू वेजिटेटिव जोन इज कॉल्ड द इकोटोन, सही है। द एंजाइम इज हैप्लोइड, फॉल्स है। द जाइगोट इज हैप्लोइड, गलत है बेटा, जाइगोट हैप्लोइड नहीं होता, जाइगोट 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। फिर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द यूनिवर्स इन अर्थ, सही है। यूनिवर्स में जो अर्थ होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। उसके बाद यदि हम बात करें बिंजो डायमाइन आर साइकोट्रॉपिक ड्रग, सही है। बेंजोडाइजामाइन आर साइकोट्रॉपिक ड्रग, सही है। एड्स टेस्ट इज कॉल्ड एलिजा, सही है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट इन 5th December, गलत है, ऐसा नहीं होता। फिर 18 में द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन एनिमल क्या है, डोली, जो फर्स्ट क्लोन एनिमल होती है क्या है वो, डोली। फिर इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन अकर इन दी फैलोपियन ट्यूब, सही है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, सही है, हालांकि उसके पार्ट एम्पुला में होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन अकर ड्यू टू क्रोमोजोम, बाई क्रोमोजोम, ये भी सही है। फिर द सोर्स ऑफ ओपियम इज कॉफी, फॉल्स है, ये गलत है। निकोटीन इज एन एल्कोलाइड फाउंड इन टोबैको, सही है, सबको पता है तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। विटामिन बी इज फाउंड इन एबुडेंस इन गोल्डन गूसबेरी, सही है। फिर विटामिन बी इज फाउंड इन एबुडेंस इन गोल्डन गूसबेरी, गलत है। फिर सैडलवुड इज पार्शियली रूट पैरासाइट प्लांट, ये भी सही है बेटा, सैडलवुड जो होता है वो पार्शियली रूट पैरासाइटिक प्लांट होता है, तो ये भी सही है। तो ये आपके हो गए सारे के सारे ट्रू फॉल्स। अब हम देखेंगे बेटा मैच दी कॉलम, ये हुआ आपका लास्ट, इसके बाद आप इसको रिपीट कर करके बार बार सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो क्या है मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम में बात करेंगे हम, तो ये मैच दी कॉलम में क्या है, पार्थेनोकार्पी बनाना। मैच दी कॉलम में यदि हम बात करें तो हमने आपको सारे मैच दी कॉलम एक साथ दे दिया है, आप इनको रिलेट कर लेना, क्लियर। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, पार्थेनोकार्पी ये बनाना का एग्जाम्पल होता है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है बेटा, बनाना, एकदम सही जवाब। डाउन सिंड्रोम 21 पेयर ट्राइसोमी। फिर एससीपी जो होता है स्पाइरुलाइना होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। फिर गोल्डन राइस विटामिन ए के लिए होता है। सॉइल के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैडोलॉजी बोलते हैं। माल्थस जो होता है पॉपुलेशन थ्योरी दिया था। न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए एंड आरएनए होता है। बर्मी कंपोस्ट क्या होते हैं, अर्थवर्म करता है। फिर अल्ट्रिज्म क्या होता है, लाइकेन, क्राई प्रोटीन, बीटी कॉटन, एक्रोसोम, स्पर्म में, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी बताया गया था। एंथ्रेक्स जो होता है बायोवार के लिए यूज करते हैं। वॉलनट जो होता है क्लोन ऑफ मैमल्स के लिए यूज होता है। तो ये सारे के सारे हो गए आपके मैच द कॉलम, और भी है आगे, तो आपको ये सारे मैच द कॉलम करने हैं। क्या बोल रहा है, एनर्जी फ्लो 10% सही है, 10% लॉ एनर्जी फ्लो सही है, लिंडमान ने दिया था। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, सही है। कोडोमिनेंस कलर ऑफ कैटल सही है, जिसको मैंने रोन बोला था। फिर टीबी क्या होता है, बीसीजी होता है ट्यूबरक्लोसिस। फिर हाइड्रिला क्या होता है, परमानेंट सबमर्ज प्लांट होता है जो पानी के अंदर घुसा रहता है। टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम होता है। बैसेक्टोमी में क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी होता है। कॉपर टी इंटर यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। फिर टर्नर सिंड्रोम एक्स और जीरो होता है क्योंकि एक एक्स क्रोमोजोम कम हो जाता है। फिर क्या होता है, थैलेसीमिया लैक ऑफ वन क्रोमोजोम, वेरी गुड। रिसेसिव जीन
ब्लड डिजीज होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट करता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस याद रखिएगा एकदम सही है, फिर बिस्टोन बाउचलेरिया, फिर बिस्टोन बाइटुलेरिस क्या होता है, बिस्टोन बाइटुलेरिस होता है मेलानिज्म, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज होती है, एंटमीबा हिस्टोलोटिका अमीबियासिस करता है जिसको हम पेचिस बोलते हैं, फिर पेनिसिलियम जो होता है फर्स्ट एंटीबायोटिक्स था, पहली बार डिस्कवर किया गया था, मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बायोजेनिक बायोगैस मेथेन था जिसको हम बायोगैस, एक अलग से रे डायग्राम चार नंबर का क्वेश्चन भी आता है बायोगैस, जीन थेरेपी क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक होते हैं, फिर जूसिएका क्या होता है, फिक्स फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, फिर रेनुकुलस क्या होता है, एम्फीबियंस होते हैं, फिर ओपेंसिया क्या होता है, फाइलोक्लाइड्स होते हैं, म्यूचुअलिज्म लाइकेन का एग्जांपल होता है, सकन स्टोमेटा एडप्टेशन के लिए एग्जांपल होता है जो जीरोफाइट में पाए जाते हैं, फिर जो इकोसिस्टम होता है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी के लिए यूज करते हैं, फिर MS स्वामीनाथन जो थे ग्रीन रिवोल्यूशन दिया था, एक्सीटू कंजर्वेशन जो है जूलॉजिकल पार्क होते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस जो होता है जेंडर लिंक डिजीज होता है। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो फिनिश हुए। यहाँ पे हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम के बाद हमने आपको क्या बताया, मैच द कॉलम के बाद अपन ने देखा वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। 28 मार्क्स के जो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में से आ जाएंगे। तो हम आपको फिर से बोलते हैं कि यदि आपको पूरा वीडियो नहीं मिला तो आप प्लीज़ ऐप में जाइए, कभी कभी यूट्यूब में मिस हो जाता है, वैसे हम यूट्यूब में भी अपलोड कर देंगे, लेकिन आपको ऐप से सबसे पहले बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बायोलॉजी के यूट्यूब में मिल जाएंगे, है ना, और आपको ऐप में भी मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।